नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, दीपावली इन ग्रंथों में भी लिखा है देवी लक्ष्मी का महत्व। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है, अर्थात इनकी पूजा कृपा से ही मनुष्य को भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। अनेक पौराणिक ग्रंथों में देवी लक्ष्मी के संदर्भ में वर्णन किया गया है। दीपावली के शुभ अवसर पर जानिए किस ग्रंथ में देवी लक्ष्मी के बारे में क्या कहा गया है। भर्तृहरि संहिता में कहा गया है कि जिसके पास लक्ष्मी धन है वही कुलीन है, वही पंडित है, वही गुणी है, वही श्रेष्ठ है, वही दर्शनी है। मतलब यह है कि ये सभी गुण लक्ष्मी के आश्रित हैं। लक्ष्मी बिन कृपा से ही इन सुखों की पूर्ण प्राप्ति संभव है। मनुष्य को क्या देवताओं को भी अपने देवत्व कार्य पूर्ण करने के लिए लक्ष्मी की आराधना करनी पड़ती है। श्री ब्रह्म पुराण में लिखा है कि दीपावली की रात में लक्ष्मी जी सदग्रस्तों के घरों में जहाँ तहाँ विचरण करती रहती है। इसीलिए लक्ष्मी के स्वागत के लिए सभी श्रद्धायुक्त जन अपने अपने घरों को सभी प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर रीति से सजा कर रखते हैं, ताकि लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके घर में प्रवेश करें व अपनी कृपा दिखाएं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।